उत्तराखंड में लगातार बीमारियां जन्म लेती हुई नजर आ रही हैं। अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, वही डेंगू की बीमारी भी उत्तराखंड में दस्तक दे चुकी है। अब एक नई बीमारी जो टोमेटो फ्लू भी उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। आपको बता दें कि हालांकि डॉक्टर अशोक कुमार की माने तो उनका कहना है कि यह बीमारी कोई नई नहीं है, यह बीमारी पहले से भी लगातार देखी जाती है, लेकिन इस बार कुछ इसका प्रकोप अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण बुखार आना और उसके बाद शरीर में जकड़न होना और शरीर पर छाले पड़ जाना है। इससे बचाव के लिए सबसे पहले यही उपाय है कि पैरासिटामोल लें और खुद को आइसोलेट कर लें। हालांकि ये बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिल रही है। डॉक्टर अशोक की माने तो उनका कहना है कि अभी प्रतिदिन 6 से 7 मरीज इस बीमारी को देखने में मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि घबराने की अधिक आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें हमें प्रतिदिन रिपोर्ट करने को कहा गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आपको बता ही रहा हूँ, एवरेज अगर देखें तो 6 से 7 पेशेंट पर डे आते हैं। आज का हमारे पास 6 पेशेंट आ गए हैं हमारे पास। तो ये 6 पेशेंट किसी भी पेशेंट में इसमें सीरियस नहीं होते, कभी भी एडमिशन की जरूरत नहीं होती। बस इसमें आप गुड हाइजीन मेंटेन करें, डाइट अच्छा रखें, बच्चे का प्रॉपर बिल्कुल ठीक रहेगा।